वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम क्रिसैंथेमम्स के बारे में और वेरिकेटेड कैलेंचू के बारे में बात करेंगे। ये सर्दियों में खिलने वाले बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और इनको हम कैसे कटिंग से और सकर्स के द्वारा बहुत इजीली खूब सारे प्लांट्स तैयार करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो ये क्रिसैंथेमम है, इसको हम गुलदावरी भी कहते हैं और कहीं इसको सेवंती के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मेरा प्लांट है, ये पिछले साल का सर्दियों का प्लांट है। अब इसमें मैंने सिर्फ दो प्लांट्स लगाए थे और खूब सारे इस तरह प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और अब इस तरह से सकर्स की भी अलग अलग करके भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, पिछले साल का जो प्लांट है ये इतना ऊंचा हो जाता है। अब हम अगर इसको कटिंग करके अलग तैयार कर लेते हैं प्लांट, तो एक तो अपने इस प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाती है और बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार हो जाते हैं और हमारे को और सुंदर से कटिंग से भी हम अपने अपने और भी बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको बजरी में और कोकोपी दोनों में हम इसकी कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। हमको इसकी करीब छोटी छोटी कटिंग, जैसे 4 इंच की, 3 इंच की कटिंग हम लेंगे छोटी छोटी सी। और अब हम इसको लगाएंगे। और ये गमला जैसे हमने कटिंग कर दिया तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और इसके बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार होंगे और फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होगी। इसलिए कटिंग का ये भी फायदा होता है कि हमारी प्लांट की प्रूनिंग हो जाती है और हमारे बहुत से प्लांट्स हमको मिल जाते हैं। अब नीचे की हमको कुछ पत्तियां हटा के और ऊपर सिर्फ 2 या 3 पत्ती छोड़ के हम इस तरह इसकी कटिंग्स को तैयार कर लें। अब कोकोपीट में, ये नॉर्मल कोकोपीट है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। हम इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बनाएंगे और हम इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे 1-2 इंच की दूरी पे हम इस कटिंग्स को अच्छे से दबाते हुए लगा लें। इस तरह हम सैंड में भी लगा लें। ये भी रिवर सैंड नॉर्मल सैंड है, इसमें भी कुछ मिट्टी खाद कुछ भी मिक्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सैंड में ही हम इस कटिंग को लगाएंगे। और लगाते समय बस दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। हिलनी नहीं चाहिए, हमको इतना अंदर दबाना है कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। अब ये है अपना वेरीगेटेड कैलेंचू। ये भी लास्ट ईयर का कैलेंचू है। ये इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं और अगर हम नर्सरी से लेने जाते हैं तो खूब महंगा भी मिलता है। अब हम इस प्लांट में, जैसे अभी इस समय 3 प्लांट है इसके अंदर, और हम इसको कटिंग से और भी प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। अब कटिंग करने से यही फायदा होता है कि हमको पहले तो अच्छे से कटिंग्स और मिल गई, प्लांट बन जाएंगे और ये भी अपने प्लांट बहुत सारे रहेंगे और इसके साइड में भी खूब सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये पूरा गमला अपना भर जाएगा और आप इसको फिर अलग अलग सेपरेट, जब हमारा सितंबर लास्ट में, हम इसको सेपरेट गमलों में लगा सकते हैं। अब इसकी कटिंग भी हम छोटी 2-2.5 इंच की छोटी कटिंग लेंगे, जितनी बड़ी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। और नीचे से पत्ते इसके थोड़े खाली कर दें। इस तरह हम सारी कटिंग्स तैयार कर लें। अब हमने इसमें के लिए भी नॉर्मल कोकोपीट लिया है और इसमें हम फंगीसाइड जरूर डालेंगे। फंगीसाइड हम बेबस्टीन ले सकते हैं, हम ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या हम साफ ले सकते हैं। मैंने इसमें साफ लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ी नमी बना देंगे इस कोकोपीट में और कटिंग को हम नॉर्मली लगा देंगे। अब वैसे तो इसमें रूट हॉर्मोन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कटिंग्स हैं गुलदावरी की, कैलेंचू की, ये ईजिली लग जाती है। अब ये देखिए, कटिंग मैंने 7-8 दिन पहले मैंने लगाई थी। अब आप इसमें देखिए छोटी छोटी रूट्स तैयार हो। अभी इसमें व्हाइट रूट्स छोटी छोटी आई हैं। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब हम इनको सेपरेट गमले में तैयार करके लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग को, बस हम इसको पानी देंगे और बारिश में हम इसको नहीं रखेंगे और डायरेक्ट हम इसे धूप में भी नहीं रखेंगे। हम इसको वरांडे में ऐसे सेमी शेड में रखेंगे जहाँ इस पर डायरेक्ट बारिश ना आए और इसको धूप ना लगे बस। और इस तरह रख के जब हम इसके प्लांट्स में थोड़ी रूट्स आ जाएंगी और हम करीब 1 महीने बाद हम इनको सेपरेट गमलों में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कला क्रिएशंस को सब्सक्राइब करिएगा।